respected educationalists, academicians, pradhanacharyas, acharyas, brothers and sisters of Vidya Bharati Northeast, my pranams to you all. The impact of corona on education is quite staggering and very much surprising. बहुत विस्मयकारी प्रभाव हमको देखने को मिला and all the students are out of the school. Schools are empty. If at all teachers are there, they should be sitting in the room and closeted only to find walls and blackboard available. It is unfortunate. The most common response to this pandemic is an abrupt nationwide shutdown or lockdown of schools. For the last 3 months, we could not meet the students with whom we have quite intimacy, बहुत आत्मीयतापूर्ण संबंध जिससे हम रख रहे थे उनसे मिलना संभव नहीं हो पाए और आने वाले 2 महीने में ये संभव है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है. फिजिकल मीटिंग ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स मे नॉट बी पॉसिबल बिफोर अगस्त बट एनीवे इट इज़ क्वाइट विजिबल. अभी ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं कि आने वाली जो एकेडमिक ईयर है वो क्वाइट डिस्टर्ब रहेगा और कंडेंस्ड भी रहेगा, अनकंट्रोल्ड भी रहेगा एंड वेरी मच डिफरेंट. इसके लिए हम तैयारी करना है. I am quite happy that I am able to meet thousands of social and spirited workers. सामाजिक और समर्पित कार्यकर्ता जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन सब से मिलना एक आनंद की बात है. Just before the lockdown, I was touring northeast part of India for a week, covering 4 states. चारों प्रांतों प्रवास करने का मौका मुझे मिला है. इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी, शिक्षा प्रबंधक और शिक्षाविद, नीति निर्धारक, इन सब से मिलना हुआ. एंड आई कुड गेट मच फ्रॉम देम. बहुत सारे सीखने को मुझे मिला है एंड उनसे जो बात हुआ है अभी भी मेरी जो मेमोरी लाइन में वो सब बसे हुए हैं. और उधर की कला, संस्कृति, सामाजिक जीवन और रक्षित और स्वच्छ पर्यावरण और बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना अलोंग विथ सिविलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेस मेड मी ऑलमोस्ट स्पेल बाउंड. मुझे आश्चर्य भी हुआ, देखते देखते बहुत सीखने को मिला. इग्नोरेंट, इनोसेंट, सेंसिटिव, इमोशनल एंड हाईली कल्चर्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल टेकिंग केयर ऑफ नेचर इज एन एनरिचमेंट एंड एम्पावरमेंट टू वर्क फर्दर थ्रू
थ्रू आउट माई लाइफ थैंक्स टू ऑल द पीपल हु मेट मी पर्सनली एंड हेल्प्ड मी टू मेक एवरी मोमेंट ऑफ माइन इज अ मोमेंट ऑफ लर्निंग एंड एनरिचमेंट. नाउ एज अ टीचर लेट मी कम आउट विथ सम specifications and role to be played by the teacher in the present and post-COVID era. It's not possible for me to enlist all the things to be done. सभी प्रकार की जो गतिविधि हमको चलाना है इसको सूचित करना इसका उद्देश्य नहीं है. कुछ बिंदु आपके सम्मुख रखूंगा, बाकी आप ही सोचकर और इससे ज़्यादा बिंदु जोड़कर आगे जा सकते हैं, यही अपेक्षा है. इसलिए कुछ बिंदु मैंने लिया है, एक एक बिंदु आपके सम्मुख रखते जाऊंगा. और अभी की स्थिति में क्या करना है, एक है अभी की स्थिति में तकनीकी ये संरक्षक बनकर ही रहने वाले हैं. टेक्नोलॉजी इज द सेवियर इन द प्रेजेंट कंडीशंस प्रिवाइलिंग इन द एंटायर वर्ल्ड. प्रेजेंट लॉकडाउन सिचुएशन और सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो और रेस्ट्रिक्शंस ऑन गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये सब ना होते हुए हम आगे कैसे जा सकते हैं. इसीलिए हम सभी स्टेक होल्डर्स के पास पहुंचने के लिए हमको वैकल्पिक व्यवस्था देखना है. इसीलिए वो वैकल्पिक व्यवस्था अभी टेक्नोलॉजी के रूप में हमारे सम्मुख है. द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय कोरोना महामारी कैन बी रिड्यूस्ड टू द मिनिमम बाय अडॉप्टिंग द लेटेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी and we can interact face to face with all the stakeholders in virtual environment. Virtual environment mane ye ki hai, vyakti to hai nahi lekin vyakti hamare paas hai aisa anubhav aap pa sakte hai lagbhag kareeb kareeb jo hai ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो सकता है. इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले सकते हैं. इसीलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी कैन बी बेटर ये वे ऑफ लाइफ विच नेटवर्क्स द पास्ट थ्रू प्रेजेंट टू द फ्यूचर ग्लोबल ट्रेंड्स. टेक्नोलॉजी का महत्व है, एक एक जीवन व्यवहार है, जीवन पद्धति है, जीवन प्रक्रिया है, उसमें क्या होगा, भूतकाल में जो हुआ है उसके आधार पर वर्तमान में जो चलाना है वो भी चला सकते हैं और आगे भी जाने के लिए वैश्विक गति और रुझान उस तक पहुंचाने के लिए, उससे आगे जाने के लिए ये तकनीकी जो है टेक्नोलॉजी दैट विल बी द पावरफुल मीडियम. इट इज द सेवियर इन द प्रेजेंट सिचुएशन. और एक है पोस्ट कोरोना. ये कोरोना होने के बाद एक विचित्र स्थिति हमको देखने को मिलने वाला है. वो क्या है, एक नई वैश्विक व्यवस्था उभर कर आने वाले है. क्योंकि सामाजिक व्यवस्था, इकोनॉमिक, एकेडमिक,
एंड कल्चरल लाइफ इज कंप्लीटली डिस्टर्ब, तो नेचुरली क्या होने वाले है, ये न्यू लुक ऑफ इकोनॉमी माने आर्थिक व्यवस्था, इकोलॉजी, पर्यावरण एंड एथिक्स, नीति सूत्र आने वाले हैं। ये सब जो है सब सब दूर पहुंचाने के लिए हम जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं की मैंने सहभागिता होना है। और एक भी बात है, अभी इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है और हम तेजी से उसको पकड़कर वो डिजिटल डिवाइड जो है माने वो OECD नेशंस है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उनके बीच में जो डिजिटल डिवाइड है वो बढ़ने नहीं देना, डिजिटल डिवाइड जो है उसको कम करना, इसके लिए हम भी कोशिश करना है, तब भारत की श्रेष्ठता और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और बाद में दूसरा विषय जो है, अभी की हमारी अति माने प्रमुख दायित्व जो है माने विद्यार्थियों से कैसे संबंध रखना, गेटिंग कनेक्टेड टू द स्टूडेंट्स, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। माने विद्यार्थी हमारा जीवन है, उनको ही विकसित करने में हमारा पूरा जीवन, उनको विकसित करते हुए हम भी विकसित हो, इसमें सब कुछ हम समय जो है वो समर्पित कर रहे हैं। सो इट अपमोस्ट प्रायोरिटी एट प्रेजेंट इज टू स्टे कनेक्टेड टू ऑल द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स, माने विद्या भारती की जो बड़ा परिवार है उन सबसे संबंध रखना ये प्रथम कर्तव्य। क्यों? हर विद्या भारती परिवार के सदस्य जो है उनका स्वास्थ्य कैसे है और वेलफेयर कैसे है और उनका कुछ तकलीफ हो रहा है क्या, ये सब जानकारी लेना है, क्योंकि हम सब सामाजिक दायित्व जो है वो निभाने वाले में अग्रसर है, इसीलिए व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व निभाने के लिए हम कैसे पहुंचना, इसके लिए प्राधान्यता देना है, ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसके लिए क्या है, अभी भी जो उपलब्ध टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे ऐप्स आ गए, उस ऐप्स को उपयोग करते हुए हम विद्यार्थी तक और अभिभावक के पास पहुंचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आप सब जानते ही है, प्रयोग भी किए हैं, जूम हो, वेबेक्स हो, टीम व्यूअर हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, टेलीफोन हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, गूगल मीट हो, बहुत सारे ऐसे आगे वो सब आप यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयोग करना। और अभी इतने सारे ऐप्स आ गए, दे प्रोवाइड अनलिमिटेड मीटिंग्स, कितने सारे आप मीटिंग्स चला सकते हैं और इंटरैक्शंस चला सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे आचार्य जो है वो जूम यूनिवर्सिटी के मेंबर्स बन गए हैं और हर दिन 1, 2, 3 जूम कॉन्फ्रेंसेस में वो भाग भी ले रहे हैं। हमारा भाग्य है कि जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स है वो जीरो कास्ट में सब कुछ दे रहे हैं, इसीलिए ये माध्यम से हम शिक्षार्थियों तक पहुंचना है। तीसरी समस्या जो है, साधारण स्थिति जो है वो बनने के लिए समय ज़्यादा लगने वाले हैं,
That means there is a longer time for restoration of normalcy. नॉर्मलसी आने में, साधारण परिस्थिति आने में बहुत सारे महीने मैंने समय हो सकता है। अभी विद्यालय खोलने के बाद क्या है, कुछ डर भी लगता है। लॉकडाउन आफ्टर मैथ फियर, मैंने लॉकडाउन बहुत दिन लॉकडाउन में रहने के कारण बाहर भेजना कि नहीं, ये डर अभिभावकों में बहुत सारे रहने वाले हैं। और असुरक्षा भाव, इनसिक्योरिटी, और बाद में तुरंत ये बदलाव को स्वीकारने की मानसिकता, द साइक ऑफ द पीपल, ये सबके कारण तुरंत एकेडमिक एक्टिविटी, शैक्षिक गतिविधि जो है वो तुरंत चलेगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। नॉर्मल स्थिति, साधारण स्थिति बनने में बहुत सारे समय लगने वाले। और विद्यालय खोली गए, खोलने के बाद ही उसमें उपस्थिति बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सभी जो अभिभावक है एक दो महीने थोड़ा इंतजार करना, परिणाम प्रभाव ये सब देखना, देखने के बाद ही वो क्या अभद्रता भाव से बाहर भी आएंगे और विद्यालय को भेजेंगे। और ये सब स्थिति जो है इसको निपटने के लिए गवर्नमेंट, सरकारी तंत्र जो है वो नई जो एकेडमिक कैलेंडर बनने वाले हैं उसको रीशेड्यूल और रीडिफाइन किया है। और इतने कम समय में हमारी कॉम्पिटेंसीज, माने हमारे सामर्थ्य, बच्चों का सामर्थ्य और लर्निंग आउटकम्स, अधिगम परिणाम, उसको भी रीडिफाइन किया है। माने कॉम्पिटेंसीज कम करते हुए कितनी जल्दी वो प्राप्त कर सकते हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट निर्णय किया है, इसीलिए उसके अनुसार हमको चलना ही पड़ेगा। और चौथा जो है, हमारे सारे अभी से प्रयास जो है हमारी कुशलता बढ़ाने के लिए क्या करना, हमारा निपुणता बढ़ाना उसके लिए क्या करना, हमारा उन्नयन होना है इसके लिए क्या करना, दैट मीन्स वी हैव टू अपस्किल एंड अपग्रेड आवर सेल्व्स। इसके लिए अभी समय हमारे पास है। हमारा इधर हम 10 दिन की एक कैंप चलाए, ऑनलाइन क्लासेस के कारण 10 दिन में सभी आचार्य जो है वो उनका स्किलिंग और अपग्रेडिंग भी हो गया है। वो स्वयं बहुत सारे इनोवेटिव पद्धति में वो बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। माने अभी क्या है, वर्किंग डे रीशेड्यूलिंग हो रहा है और सिलेबस भी परिवर्तन होने वाले ही है। इतना सारे बड़े सिलेबस जो हो वो इतने कम दिनों में पूरा करना संभव नहीं, इसीलिए वो भी परिवर्तन हो रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस इतना बढ़ गए हैं, अप्रैल 6 से हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। सो इसका भी बोझ, मोर स्ट्रेस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस एंड द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्चुअल स्कूल। मैंने ऑनलाइन में इतनी सारी गतिविधि चला रहे, सभी टाइम टेबल भी दे रहे हैं, 5 घंटे वो उनके साथ या 4 घंटे उनके साथ बैठते हैं और बहुत सारे प्रयोग एक्टिविटीज करवा रहे हैं। सो ये सब करने के लिए हमारी सामर्थ्य जो है, हमारी माइंडसेट हो ठीक होना है। अल्टीमेटली वी शुड बिकम टेक सेवी, माने एक टेक्निक जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे साथ रहना है,
We can't think of technology separated from us. और नए शिक्षण पद्धति न्यू पेडागॉजी भी आने वाले हैं, उसको भी सीखना, बहुत सारे नए विषय आने वाले, उसको भी सीखते हुए आगे जाने की जो मानसिकता है वो हमें आना है. और ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट वेरी इजी, इसके लिए थोड़ा समझदारी भी चाहिए, थोड़ा इनोवेशन भी चाहिए टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. मैंने ये इंटरैक्टिव सेशन चलाने के लिए और डिस्कशन चलाने के लिए और एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज एंड ग्रुप वर्क इन वर्चुअल क्लासेस, दैट मीन्स ऑनलाइन क्लासेस में ये सब चलाने के लिए, दैट टू विथ फन, स्ट्रेस फ्री एंड एन्जॉयबल लर्निंग एनवायरमेंट में ये सब करना, इसके लिए बहुत मेहनत करना ही है. क्योंकि हमको देखकर उनको डर भी नहीं लगना है, और ये ऐसे ही बोलते हैं ऐसा निराशा भाव भी नहीं रहना है. इसीलिए टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग हम ऐसा ही हमारा स्किल्स को बढ़ाना है, हम एम्पावर होना है, एनरिच होना है टू अडैप्ट टू द न्यू सिस्टम इन एन एमिकेबल वे बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, एंकरेजमेंट टू ऑल द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, दैट इज स्टूडेंट्स, एंड वी शुड एश्योर देम दैट इट इज टू बी विथ अस एंड विथ विच यू हैव टू प्रोसीड इन फ्यूचर. ऐसी एश्योरेंस देते हुए आगे जाने के लिए कोशिश करना है. और एक विषय है कि हम छात्र तक ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग जो है वो संभव होने के लिए क्या कर सकते हैं. दैट मीन्स रीचिंग स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन एजुकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. यानी इसके लिए प्रिपेयरिंग द माइंड सेट ऑफ द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स इज वेरी मच एसेंशियल एक्टिविटी बाय द टीचर. इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इन देयर विलेजेस, साधारणतः हमारे आंध्र में सब दूर इंटरनेट उपलब्ध है. एपी फाइबर नेट इज द गवर्नमेंट एजेंसी विच प्रोवाइड्स कनेक्शन टू ऑल द पीपल, सो विथ मिनिमम कास्ट. इसीलिए इंटरनेट इज नॉट ए प्रॉब्लम इन आंध्र प्रदेश, इन इवन इन विलेजेस, इवन इन ट्राइबल एरियाज. सो इन केस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, व्हाट्सएप, गूगल मीट, टेलीग्राम्स एटसेट्रा आर टू बी यूज बाय द टीचर हु कैन फॉरवर्ड द गाइडलाइंस टू पेरेंट्स विथ अ ब्रीफ एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन. जो आप भेज रहे हैं, जो सूचित कर रहे हैं, वो अभिभावक को समझ में आना है. इसीलिए अति सरल भाषा में ये सब यूज करते हुए उनको भेजना है. टीचर शुड गाइड द पेरेंट्स एंड इंस्ट्रक्ट देम नॉट टू फोर्स देयर चिल्ड्रन टू डू दीज एक्टिविटीज, रेदर पेरेंट्स शुड क्रिएट एन एटमॉस्फियर इन द हाउस दैट इज कंड्यूसिव टू लर्निंग एंड पेरेंट्स शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी इनिशिएटिंग द चिल्ड्रन. मैंने किसी दबाव में नहीं लाना, बच्चों के साथ आप भी खेलना, उनको प्रेरित करना, ये सब सूचना जो है वो ऐसे ही भेजना है. और चैप्टर वाइज ई कंटेंट, मैंने अभी कंटेंट अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गए जो है वो ई पाठशाला में है, वो भी गवर्नमेंट का है. NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑफ NCERT, ये इतने सारे कंटेंट उपलब्ध है. हम किसी भी चैप्टर का हो हम तुरंत ले सकते हैं. और दीक्षा पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
and many other organizations of the state government and private agencies are providing the content which we have to use and apply and ultimately pass it on to the students. Suppose in case of non-availability of internet, teachers can explain the parents about each activity over the phone. इसके लिए बहुत मेहनत करना है, हर एक को फ़ोन करना है अभिभावक के पास और ये पहुंचना है और उनको जो है फ़ोन पे बात करना है, थ्रू SMS भी बात करना है, वॉइस रिकॉर्डेड मैसेजेस भी उनको पहुंचाना है। हम वनवासी कुछ गांवों में ऐसे ही वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज भेजे हैं, इसका भी रिस्पांस अच्छा हुआ। Teachers must continuously ensure that the activity has been conducted and followed up later. और बाद में और एक विषय है, अभी गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट CBSE वगैरह ये जो है आर्ट एजुकेशन जो है दैट इज बीइंग इंटीग्रेटेड with other subjects in the curriculum. Mane man making activity is made more important. क्या है ये जो है ये कला और संस्कृति ये हर एक सब्जेक्ट से जोड़ने पर इस संस्कृति ज्ञान जो है वो बढ़ती है, कला के माध्यम से सब सब्जेक्ट्स भी सीख सकते हैं। इसके लिए इंटीग्रेटिंग आर्ट एजुकेशन इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, इधर यू टीच लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज और बाकी सारे न्यू सब्जेक्ट्स भी गवर्नमेंट जोड़ रहे हैं। वो डिजास्टर मैनेजमेंट आजकल बहुत आवश्यक है, कैसे डिजास्टर होने वाले हैं, कैसे आपदा प्रबंधन करना, ये सब सीखना जरूरी, सबको जरूरी हो गया है। इसलिए एल्डर्स को भी सीखना आने वाले दिनों में वो करना ही है। और हेल्थ केयर एंड हाइजीन, अभी देखिए इस पैंडेमिक सिचुएशन जो है इसमें कैसे व्यवहार करना, कैसे स्वच्छ रहना, हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन करना, सैनिटेशन के बारे में जानकारी लेना, ये इसीलिए ये भी इंट्रोड्यूस हो रहा है। स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट रीजनल स्पेसिफिक कला, संस्कृति, सामाजिक जीवन और प्रत्येक पर्यावरण, ये सब जो है इसको प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्टेड, कैलिब्रेटेड एंड इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम। ये जो उपलब्ध है उधर की जो सारी है वो समहाउ ये करिकुलम में, पाठ्यचर्या में लाने की कोशिश हम सब करना है और अल्टीमेटली इट शुड फाइंड ए प्लेस इन द टेक्स्ट बुक्स। जो नई किताब हम तैयार करने वाले हैं उसमें ये सब जो है वो सम्मिलित हो, इसके लिए हम बहुत कोशिश करना है। और एक विषय भी है, एट प्राइमरी लेवल क्लासेस मस्ट बी इंटरस्पर्स्ड विथ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैंने देखिए केवल पाठ नहीं पढ़ाना, परफॉर्मिंग आर्ट्स सिखाना और क्राफ्ट, डांस, फन, गेम्स, योगा, स्टोरी नरेशन, ये सेशंस भी चलाना है ऑनलाइन में। जब चलाते हैं उनका जो रुचि है वो बढ़ती है, वो थोड़ी देर के लिए बैठ भी सकते हैं। एट सेकेंडरी लेवल वी हैव टू ऑर्गेनाइज ऑन द स्पॉट कंटेस्ट टू कीप द चिल्ड्रन एंथुजियास्टिक एंड एंगेज्ड, विच कैन ऑल्सो एक्ट एज ए फीडबैक। मैंने सेकेंडरी लेवल माध्यमिक स्तर पर जो है उनके लिए तुरंत ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करना, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का अनुभव है, उत्सुकता से, उत्साह से सहभागिता होती है और हमको तुरंत फीडबैक मिल रही है। योग्यता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग,
will be the priority during this academic year. As teachers, we should have to concentrate on the competencies prescribed, which are nothing but the skills, abilities, and knowledge with which we perform a task, face a challenge, and solve a problem. It is nothing but outcome-based education. For that, CBSE is coming out with a teacher training module on Deeksha app, which is to be used in our Prashikshana Vargas. मैंने अति स्वल्प काल में कैसे ये सामर्थ्य बढ़ाना, इसके लिए 1, 2, 3 कैसे करना, इसका प्रशिक्षण भी हमको लेना है और प्रशिक्षण भी करना है. और अन्य विषय जो है, आने वाले दिनों में 50% जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन होगा और 50% जो है वो क्लासरूम एजुकेशन होगा. मैंने एवरी टीचर हैज़ टू गेट रेडी as he is pushed and nudged to change, reform and ultimately transform. वो ये टीचर जो है, आचार्य जो है, उनका हाथ में नहीं है. अभी जो परिवर्तन सब आ रहा है, परिवर्तन ही उनको आगे लेकर वो परिवर्तित हो, इसके लिए कोशिश चलाने वाले हैं. That means he is pushed to transform himself. पूरा परिवर्तन के लिए वो तैयार रहना ही है. इसीलिए ये सब जानकारी जब होता है, तभी ही मेक्स लर्निंग फास्ट, इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड पर्पसफुल. ऑनलाइन एजुकेशन और ई लर्निंग मेक्स ए स्टूडेंट लर्न एट हिज विल, एट हिज ओन प्लेस एंड एट एनी टाइम एंड एट हिज कन्वीनियंस. इसीलिए यू शुड बी गेटिंग रेडी. आप जो ऑनलाइन भेजते हैं वो फुल प्रूफ हो, बहुत क्रिएटिव भी हो, उसमें इंटरेस्ट भी हो, वो कभी भी ओपन करके वो कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना है. एंड वन मोर थिंग, विथ 5G टेक्नोलॉजी इन द ऑफिंग, लर्निंग वुड बिकम ए हैबिट दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू डेली रूटीन, लीडिंग टू कंस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल. ये बहुत मैंने डेंजरस भी है और इनोवेटेबल भी है. तो 5G टेक्नोलॉजी जब आते हैं, उनके पास समय रहता है, जल्दी बहुत बहुत जल्दी पूरा काम करते हैं और अन्य काम के लिए, वो अन्य गतिविधि के लिए बहुत समय उनके पास रहता है. इसीलिए वो समय कैसे बिताना, वो भी हमको सिखाना है. और एक है, अभी इस स्कॉलास्टिक एरिया में देखा है, करिकुलम वगैरह ये सब हमने सोचा है, लेकिन मैन मेकिंग, व्यक्ति निर्माण प्रक्रिया जो चलाना है, उसमें कोई रुकावट नहीं आना है, कम भी नहीं आना है. वी शुड नॉट इग्नोर द नॉन स्कॉलास्टिक एरिया टू मेक द होल एकेडमिक एक्टिविटी इंटरेस्टिंग, जॉयफुल, पर्पसफुल एंड वैल्यू बेस्ड. Life skills are to be given top priority. Man making and Bharatiya way of leading life should be a part of the curriculum as envisaged by the new educational policy 2020 and Ministry of Human Resource Development, Government of India. Of course, by going through it, you get different tips. And moreover, one more thing which we should have to take care. As working days in this coming year would be between 100 and 120, and hence minimum homework and assignment is to be planned in order to have a stress-free and joyful learning environment in the entire family. Now we should have to target the family, simplifying the evaluation procedure. Test, evaluation and assessment process are to be revisited. मैंने मूल्यांकन पद्धति जो है वो भी बदलना है. टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए, ऐसी पद्धति आपको, हम सबको विकसित करना है. इट शुड बी रिविजिटेड, रीलोकेट एंड क्वाइट सिंपलीफाइड, गिविंग मोर इम्पॉर्टेंस टू इंटरनल असेसमेंट, फील्ड एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी. मैंने उसको ऐसे ही एक्टिविटी देते हैं, उनको
असेसमेंट करना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन इज लेट अस बी कंटेंट क्रिएटर्स. अभी क्या है, हम केवल विषय किधर से ले और पासान किया जाए ये मोड में ना रहते हुए हम स्वयं कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ई पाठशाला एंड ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग एक्टिविटी लेट अस नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ई कंटेंट मार्केटर्स. नाउ अभी देखिए हजारों ई कंटेंट जनरेटर्स और मार्केटर्स दे आर कमिंग इन ए बिग वे एंड अल्टीमेटली दे ट्राई टू कॉन्कर द मार्केट एंड वी शुड नॉट बी फॉलिंग ए प्रे टू देम. दैट मीन्स दे मेक अवर माइंड ब्लैंक ब्लंट एंड अनप्रोडक्टिव. इन ऑर्डर टू सेव आवर सेल्स लेट अवर टीचर्स एक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन एंड देन क्रिएटिंग स्किल्स टू प्रिपेयर देयर ओन लेसन्स इन एन एफेक्टिव वे. With quality content available from innumerable resources at zero cost from both government and non-governmental agencies, let us search and be happy. अभी बहुत सारे उपलब्ध है, जो उपलब्ध है उसको उपयोग करना और हमारा ब्रेन भी चलाना. हमारी जो क्रिएटिविटी अगर मैंने बाहर आती है तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं. ये भाव मन में रखते हुए आगे जाना यह जरूरी है. और अंत में एक विषय बताकर मेरा कथन पूरा करूंगा. एक है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एंड जनजागरण. कोरोना ये होने के बाद पोस्ट कोरोना सिचुएशन क्या रहने वाले है एक बार सोच लीजिए. सिंस दिस इज अ पैन इंडियन प्रॉब्लम एज द लार्जेस्ट एनजीओ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वी हैव टू बिल्ड विश्वास. समाज में विश्वास बढ़ाना है, इसके लिए क्या करना है, बहुत सारे चैलेंजेस है, समस्या है और बहुत सारे माने क्या है ऐसी समस्या उभर कर आ रहे हैं, उसको समाप्त करना वो हमारे हाथ में भी है. क्या क्या हो सकता है, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस ये भी बढ़ सकता है, क्लाइमेटिक चेंज माने पर्यावरण जो है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, और सोशल इनसिक्योरिटी असुरक्षा भाव सामाजिक असुरक्षा भाव वो भी ज़्यादा हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मानसिकता संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है. इसके कारण ये क्रिमिनल भी बन सकते हैं और सोशल डिजार्डर्स भी बढ़ सकता है. इसको ध्यान में रखते हुए हम सब घर घर जाने की जो आउटरीच प्रोग्राम्स है, संपर्क योजना जो है, मैसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम वो जारी रखे. वाई टू कीप द मोरेल ऑफ द पीपल वेरी हाई. इसके आगे की जो रिपरकशन है, इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो कम करने के लिए हम उनके नैतिकता और इमोशनल स्तर बहुत बढ़ाने के लिए हम तो ऐसे ही कार्यक्रम लेना है. और अल्टीमेटली ये एक वाक्य बताकर मैं समाप्त करूंगा. लेट अस सी दैट आवर टीचर्स आर नॉट आउटडेटेड बट अपडेटेड फॉर विच वी गेट एम्पल टाइम फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सेल्फ प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस स्पेशल एकेडमिक ईयर. इट्स आवर ड्यूटी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन विथ डिजिटलाइजेशन माइंडसेट. हमारी जो मानसिकता है टेक्नोलॉजी माइंडसेट हमको रखना है, विच वुड बी द नेक्स्ट ग्लोबल ऑर्डर. सो फॉर दैट वी शुड गेट रेडी. टीचर विथ ह्यूमन फेस, टीचर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकते हैं और सप्लीमेंट भी नहीं कर सकते हैं. टीचर के लिए एक ही पर्याय टीचर है. फिर भी हम टीचर सब टेक्निकली इलिटरेट ना बने, अदरवाइज टेक्निकली हम इलिटरेट होकर साक्षरता बढ़ने की कोशिश नहीं करने पर हम प्रश्न चिन्ह बन जाएंगे. वी शुड बिकम विल बिकम ए क्वेश्चन मार्क इन फ्यूचर
एंड अल्टीमेटली आई विश दैट नोबडी शुड बिकम ए क्वेश्चन मार्क, बट अल्टीमेटली वी आर आंसर्स रेडिली अवेलेबल टू द पीपल एट एनी टाइम एनी प्लेस एनीवेयर एंड एवरीवेयर. ये मन में रखते हुए हम आगे जाएंगे. आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ फॉर द पर्पजफुल लाइफ लीडिंग by you and your family, and take the society with you for appealing to their higher sentiments and in establishing a new order. Let us have the positive role to play with the pranams, and thank you again and again. With folded hands, I take leave from you. Dhanyavad.